एक बार एक दादाजी और उनका पोता रास्ते में वॉक ले रहे थे। गांव का माहौल था। जब वो दोनों जा रहे थे तो अचानक से दूर से एक यात्री आया। उन्होंने आके दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं पिछले गांव से आ रहा हूँ, दूसरे गांव को जा रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगले गाँव के लोग कैसे हैं? तो दादाजी ने पूछा कि पिछले गाँव के लोग कैसे थे? तो उसने कहा, दादाजी पिछले गाँव के लोग तो बहुत ख़राब थे, बहुत तंग किया मुझे, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ वहाँ से। तो दादाजी ने कहा, अगले गांव के लोग भी वैसे ही हैं। तो यात्री चला गया। अब थोड़ा और आगे बढ़े थे तो एक और यात्री आया। उसने भी फिर आके दादाजी से पूछा कि दादाजी, आगे के गांव के लोग कैसे हैं, मैं पिछले गांव से आ रहा हूँ। तो दादाजी ने पूछा, तुम मुझे बताओ पिछले गाँव के लोग कैसे थे? तो उस यात्री ने कहा, दादाजी बड़े ही अच्छे लोग थे, मेरा बड़ा ख्याल रखा, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ पिछले गाँव से। तो दादाजी जब आगे चलने लगे तो बच्चे ने पूछा, दादाजी आपने तो मुझे कहा था कि कभी झूठ नहीं बोला करते, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं आप उनको अलग अलग बातें बोल रहे हो, सभी अगले गांव का पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे जवाब दे सकते हो? तो दादाजी ने कहा, बोले बच्चे ने यह भी कहा कि पिछले यात्री को बोला अगले गाँव के लोग खराब थे, इसको बोला अगले गाँव के अच्छे थे, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो दादाजी ने उससे कहा कि बेटा, मैंने वही किया जो सब करते हैं, यानी कि इंसान जैसा खुद होता है दुनिया भी उसको वैसी ही नज़र आती है। अगर आपका मन साफ है तो आपको सभी लोग आगे अच्छे लगेंगे, आप खुद अच्छे इंसान हैं तो सभी अच्छे लगेंगे, और अगर आप खुद मन के मैले हैं या अगर आपको खुद कुछ भी अपने खुद को पसंद नहीं है, हर वक्त चिड़े चिड़े से रहते हैं, तो आसपास की दुनिया भी आपको वैसी ही नज़र आएगी। तो जैसे आप हैं दुनिया आपका आईना है, वैसी ही दुनिया आपको नज़र आएगी। तो हमेशा अच्छा सोचिए तो आईना अच्छा मिलेगा।